धनबाद में बाबा बागेश्वर के कार्यक्रम को जिला प्रशासन से अनुमति नहीं मिलने के कारण रद्द कर दिया गया है। इसके लिए बागमारा के बीजेपी विधायक डुल्लू महतो की पत्नी सावित्री देवी ने राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सनातन विरोधी कार्य करते हुए साजिश के तहत कार्यक्रम की अनुमति को रोकी गई है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी का आगमन होने जा रहा था, जिसके लिए हम लोग बहुत प्रयास भी किए और बहुत रिक्वेस्ट किए यहाँ के जिला प्रशासन और राज्य सरकार से, लेकिन उन लोगों ने अनुमति नहीं दी। इस कारण बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे झारखंड राज्य में सनातन विरोधी, धर्म विरोधी, राम विरोधी सरकार है और यहाँ के जिला प्रशासन भी उसका पूरा जोरदार तरीके से साथ दे रही है। ऐसे सरकार और ऐसे प्रशासन के खिलाफ आप लोग विरोध के लिए अपना कदम उठाएं, इसलिए मैं आप सभी से आग्रह करना चाहूंगी कि आप लोग हमारे राज्य सरकार और हमारे धनबाद जिला के प्रशासन के खिलाफ उचित कार्रवाई करें। हमारे जो यहाँ ग्राउंड में जो कार्यक्रम होने वाला था आप लोग देख सकते हैं, उन लोगों ने तीन कारण बताए हैं सुरक्षा के लिए, जो कि किसी तरह से कहीं पर भी असुरक्षा का कोई सवाल ही नहीं होता है। विधि व्यवस्था जो चार तरफ आने जाने का जहाँ पे रास्ता हो वहाँ पे विधि व्यवस्था की कोई दिक्कत होने वाली नहीं थी, लेकिन फिर भी वो लोग लिख के दे दिए हैं। और तीसरी है कि आसिक मता राम राज्य मंदिर द्वारा 31 तारीख को एक पत्र दिया गया था अनुमति की याचना के लेके, लेकिन उन लोगों ने कोई कदम नहीं उठाया। फिर विधायक जी द्वारा 3 तारीख को भी भेजा गया, उसके बाद भी वो लोग कोई जवाब नहीं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।